हाय, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट हरप्रीत पसरीचा एंड वेलकम टू फिट तक। आजकल ये टर्म बहुत सुनने में मिलती है, गट इन्फ्लेमेशन। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट व्हाट इज गट इन्फ्लेमेशन, व्हाट आर द रीजंस फॉर गट इन्फ्लेमेशन एंड व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस गट इन्फ्लेमेशन। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट गट इन्फ्लेमेशन, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज गट। नाउ गट मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। सो जब हम खाना खाते हैं, वो मुंह में च्यू करते हैं, इट गोज डाउन टू द स्टमक, वहाँ पे वो खाना चर्न होता है, ब्रेक डाउन होता है, साथ ही साथ गॉल ब्लैडर अपना काम करने लग जाता है बाय सिक्रीटिंग सम बाइल, देन देयर आर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड, देन पैनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन। साइमल्टेनियसली खाना जब पुश होता है वो इंटेस्टाइंस में जाता है। सो ऑल दिस होल प्रोसेस जहाँ पे आपका खाना ब्रेक डाउन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज़ हैपनिंग इन द गट। नाउ जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज गट इन्फ्लेमेशन। नाउ देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ रिसर्चेज विच से दैट देर इज़ लॉट ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन गट एंड मूड, गट एंड वेट लॉस, गट एंड मेमोरी, गट एंड हॉर्मोनल फंक्शन, गट एंड इम्यूनिटी, गट एंड स्किन कंडीशन, गट एंड ऑटो इम्यून सिस्टम। सो इतने सारे काम जो हैं वो गट से इंटर रिलेटेड हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो गट से इंटर रिलेटेड हैं। दैट मीन्स कि अगर हमें गट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दीज एनी ऑफ दीज थिंग्स दैट इज़ आइदर आर मेमोरी और स्किन और इम्यूनिटी विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड। नाउ आप सोच रहे होंगे कि फिर गट इन्फ्लेमेशन होती कैसे है। गट इन्फ्लेमेशन इज़ यूजली लिंक्ड टू अ लाइफस्टाइल। सो सबसे पहले अगर आप इराटिक ईटिंग पैटर्न कर रहे हैं, कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, या आप अपने मील स्किप कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली भी खाना खा रहे हैं, दैट कैन कॉज यू गट इन्फ्लेमेशन। इफ़ योर लाइफस्टाइल हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द गट। नाउ सिमिलरली इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी ईटिंग पैटर्न और एनी डिसिप्लिन एंड यू आर ईटिंग व्हाटएवर एट व्हाटएवर टाइम और यू आर ईटिंग लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, लॉट ऑफ रेडीमेड फूड्स, लॉट ऑफ फूड विद एडिटिव्स और जिसमें बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, सो ऑल दीज कम अंडर अ प्रोसेस्ड फूड। सो ऑल दीज थिंग्स कैन ऑल्सो कॉज यू गट इन्फ्लेमेशन। अलॉन्ग विद दैट अगर आप कोई मेडिकेशंस खा रहे हैं, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर गट इन्फ्लेमेशन। बट जनरली जब आप मेडिकेशन खा रहे होते हैं तो डॉक्टर्स आर अवेयर एंड दे नो वॉट एंड हाउ मच टू बी गिवन। बट यूजली वी सी दैट गट एंड लाइफस्टाइल इज़ क्वाइट इंटररिलेटेड। कि अगर हम रॉन्ग लाइफस्टाइल करते हैं, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, प्रोसेस्ड फूड है, नो फाइबर और वी आर नॉट ईटिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स इन आर डाइट, जैसे कि देसी घी हो गया या चिया सीड्स हो गए, या बहुत सारे प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स नहीं खा रहे हैं जैसे कि बनाना और राइस और दही और पिकल, दिस ऑल क्यूमुलेटिवली इन अ पीरियड ऑफ टाइम, इन सम स्पैन ऑफ टाइम कैन कॉज गट इन्फ्लेमेशन। Also, people who do elimination of food groups or starve for long hours, 16-18 hours in a day, and that they are doing under no supervision and on their own they are doing all these things, or they're doing some kind of crash diets, or they're skipping their meals completely, they also show us these symptoms of gut inflammation. So these are basically the basic reasons for gut inflammation. So now when the gut is inflamed, what happens to an individual? Many things can happen. They start having food intolerances, ki all of a sudden humko gluten nahi suit kar raha ya lactose nahi suit kar raha hai. Or you could have as simple as constipation और लॉट ऑफ ब्लोटिंग एंड एसिडिटी, या आपकी इम्यूनिटी लेवल्स लो हो जाएंगे, या स्किन में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारा हेयर फॉल हो जाएगा। समटाइम्स यू ऑल्सो सी सम चेंजेस इन द हॉर्मोन्स, यू विल सी कि आपके थायरॉयड या आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स जो हैं वो बॉडी में चेंज हो रहे हैं। सो देयर कैन बी मेनी मेनी चेंजेस बिकॉज ऑफ द गट इन्फ्लेमेशन। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू सो दैट यू डू नॉट गेट गट इन्फ्लेमेशन, एंड ऑल दोज हु हैव can correct their lifestyles and reduce the gut inflammation. So let's understand what is that you can do to make sure that you do not get a gut inflammation or you can reduce your symptoms of gut inflammation. So सबसे पहले है आपको समझना पड़ेगा कि हमारे गट में होता है गट फ्लोरा, दैट इज़ देर आर गुड फ्लोरा, देर इज़ गुड बैक्टीरिया विच इज़ प्रोटेक्टिंग एंड हेल्पिंग आर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीजेज। सो अगर हम उसको मेंटेन करते हैं थ्रू ईटिंग अ प्रीबायोटिक फूड एंड प्रोबायोटिक फूड, दैट विल कीप योर गट हेल्दी एंड स्ट्रांग। सो प्रीबायोटिक फूड जैसे कि आप ले लो बनाना हो गया, या राइस हो गया, घी या होममेड बटर, जो वाइट बटर जिसको बोलते हैं, अगर आप एक रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में ये सब खाएंगे, इट विल गिव यू प्रीबायोटिक। नाउ प्रोबायोटिक जैसे कि घर का बना हुआ दही, प्लीज़ माइंडेड दैट आपने घर का बना हुआ दही खाना है, ना कि रेडीमेड मार्केट का दही खाना है।
सो घर का बना हुआ दही हो गया, केफिर, सौरकाट, या अगर आप घर का बना हुआ अचार खा रहे हैं, दैट इज़ पिकल, दीज ऑल एक्ट एज अ प्रोबायोटिक. सो मेक श्योर कि आपकी जो डाइट में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक ऑन अ डेली बेसिस ज़रूर होना चाहिए. Now two is you should stick to more of home cooked food, you should stick to more of local foods, more of seasonal foods. Now local seasonal foods जैसे कि जो भी सीज़न में आ रहा है, हरे मटर आ रहे हैं या बीटरूट या पालक या मेथी या लौकी या भिंडी, और सिमिलरली जो फ्रूट सीजन में आ रहे हैं जैसे कि आम हो गया या पपाया, वाटरमेलन, नाउ दे आर फूड्स विच योर बॉडी कैन डाइजेस्ट ईजिली, दे हैव गुड फाइबर, दे हैव सॉल्युबल फाइबर, योर बॉडी नोज वॉट टू डू विद दैट, योर बॉडी इज़ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. बट अगर आप बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाएंगे या बहुत सारा जंक फूड खाएंगे या बहुत सारा फूड्स विद एडिटिव्स एंड फ्लेवरिंग्स खाएंगे, वो हमारी गट लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू ईट लाइक से सॉसेजेस, या आप चिकन सलामीज खा रहे हैं, केचप्स ले रहे हैं, रेडीमेड डिप्स ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, हर सेकेंड डे आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं बाहर से, सो ऑब्वियसली देर इज़ नो न्यूट्रिएंट्स, देर इज़ नो फाइबर, एंड देर इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड लेवल्स ऑफ शुगर और रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड मैदा और एडिटिव्स, विच इज़ गोइंग टू इरिटेट योर गट लाइनिंग. सो स्टिक टू मोर ऑफ होम कुक्ड फूड, मोर ऑफ सीजनल फूड्स, मोर ऑफ लोकल फूड्स टू कीप योर गट हेल्दी. अनदर थिंग इज़ बी वेरी ऑफ वॉट यू पुट इन योर माउथ. अगर हम बहुत सारे लोग बहुत सारा सप्लीमेंट्स खाते हैं, या थोड़ा सा भी पेन हुआ तो पेन किलर या एंटा एसिड या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, दीज ऑल केमिकल्स कैन ऑल्सो इरीटेट योर गट लाइनिंग. येस, यू मे नीड सप्लीमेंट्स, बट अगर आप एक्चुअली तो सीजनल खाना खा रहे हो और वेल बैलेंस्ड मील खा रहे हो, तो यू मे जनरली नॉट हैव एनी डेफिशियंसीज. बट इफ यू हैव डेफिशियंसीज, यू कैन हैव सप्लीमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यू मे नॉट हैव इट फॉर लाइफ लॉन्ग. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट अननेसेसरली गोइंग टू द यू नो फार्मेसी एंड पिकिंग अप वॉट एवर सप्लीमेंट्स यू आर गेटिंग एंड देन यू आर पॉपिंग इट इन योर सिस्टम. या थोड़ा सा भी एसिड रिफ्लक्स हो गया तो एंटा एसिड रेगुलरली रोज सुबह उठ के ही खा लिया. सो रादर यू अवॉइड थिंग्स विच आर गोइंग टू गिव यू एसिडिटी. से फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत लेट नाइट खाना खा रहे हैं या बहुत हैवी खाना खाते हैं, च्यू नहीं करते हैं, या बहुत अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग करते हैं, सो यू रादर वर्क ऑन दैट, रिड्यूसिंग ऑन दोज, सो दैट आपको एसिड फॉर्मेशन हो ही ना. ना कि वॉट पीपल डू इज दे कीप ईटिंग दीज फूड्स, दे कीप ड्रिंकिंग, दे कीप हैविंग अल्कोहल, एंड नेक्स्ट डे दे कीप हैविंग सप्लीमेंट्स. So don't go to for that easier method, because that is also ruining your gut. So make sure that you are reducing the intake of any chemicals what you are having in your body to keep your gut healthy. इसके साथ साथ lifestyle आपको अपना modify ज़रूर करना पड़ेगा. अगर आप हैं जिनकी work में बहुत stress है या बहुत stress लेते हैं, so de-stress through different therapies, through music therapy, reading or walking barefoot on the ground or being in the nature, you have to do something to de-stress. Okay. सिमिलरली आपका जो स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग पैटर्न, आपको डिसिप्लिन्ड वे में रखना पड़ेगा. यू हैव टू स्लीप इन टाइम एंड वेक अप इन टाइम, नॉट स्लीप लाइक लेट नाइट एंड यू नो देन नॉट हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, दैट विल अफेक्ट योर गट एज वेल. एक्सरसाइज इज समथिंग ऑल्सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप आर इंटायर बॉडी, इम्यूनिटी, एवरीथिंग वेरी हेल्दी. So lifestyle, small modification in your lifestyle is also important to keep your gut healthy. So these small changes in your lifestyle and implementing the points which we just mentioned can keep your gut healthy.